दोस्तों इस वीडियो में हम लोग तीन चीज को कवर करेंगे और इसके बाद आज के बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कभी भी कोई और वीडियो देखने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ पर तीनों जो मेन चीज है जहां से अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है वो तीनों कवर कर लूंगा। पहला ब्लॉग, दूसरा फनल और तीसरा सोशल मीडिया, आपके एफबी ग्रुप्स एंड ऑल। सो लेट्स गो। सो आई नो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल वीडियो है अपने चैनल की, हाई डिमांड पे है ये वीडियो कि अमेजॉन से एफिलिएट कैसे किया जाए और कैसे फास्ट अर्निंग किया जाए अमेजॉन से। मैं नहीं चाहता था कि आपको ये अमेजॉन मैं इंट्रोड्यूस करूं, बिकॉज मुझे लगता था कि बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियोस बना रखी है और ये भी लगता है मुझे कि ये बहुत कम कमीशन देता है। बट अपने चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, आप वो जितने लोग देख रहे हैं, मतलब 90-80% लोगों को मैंने देखा है कि वो अमेजॉन का डिमांड करते हैं कि अमेजॉन की एक वीडियो की वहां से हम काफी अच्छा खासा अर्निंग कर ले। देखो, अमेजॉन के प्रोडक्ट को सेल करना आप फायर भी ऐसे सेल कर सकते हो इन इंडिया, बट क्या है यहाँ पर बट ये चीज है कि अमेजॉन का जो कमीशन वैल्यू है बहुत ज्यादा कम है। बट आज मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं और आपके लिए लेके आया हूं स्टेप बाय स्टेप अमेजॉन एफिलिएट का पूरा फॉर्मूला कि कैसे आप अमेजॉन से एफिलिएट कर सकते हो, क्योंकि बेसिक ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिलीव मी कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आपको सिर्फ घुमाया जा रहा है या तो आपको SEO में फंसा दिया जा रहा है कि अगर आपको SEO आती है तो आप जल्दी से रैंक कर लोगे, तो आप कर लोगे। और क्या है कि हमें SEO नहीं आती, सीधी बात यही है, ठीक है, बिकॉज इंडिया में इतने सारे लोग हैं यार, सबको तो SEO नहीं आ सकता, तो क्या वो एफिलिएट नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो कि $100 या $150 या $1000 अमेजॉन से डेली की डेली टू डेली, मतलब हर दिन आप कैसे अर्न कर सको, तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और बिलीव मी अगर आप ये वीडियो को देखोगे तो आपको हर कुछ क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट डे से देखने के बाद, आज के जो दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, कल से आप अर्निंग करना स्टार्ट होगे कर दोगे, बट डिपेंड करता है कि आप एक्शन लेते हो या नहीं। तो जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लेट्स गो। सो माय नेम इज सीएन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड गाइस, एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, वो भी अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। सो अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इस समय अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज जो लोग वीडियोस भी इसकी बना रहे हैं वो अमेजॉन के ऊपर ही बना रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की जो वीडियोस बना रहे हैं, बिकॉज वो लोग भी अमेजॉन में ही अभी तक काम कर रहे हैं। बट मैं ये नहीं बोलता कि अमेजॉन बहुत ज्यादा खराब है, बट अमेजॉन में ही आप सिर्फ काम करो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एक बिगिनर हो, तो मैं आपको एक चीज आज क्लियर कर दूंगा कि अमेजॉन से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो और उसके बाद आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो चीज है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड नीश। गाइज, नीश होती क्या है? नीश का मतलब होता है सिंपल सादा इंटरेस्ट, ठीक है। जब आप एफिलिएट करने जाते हो तो वहां नीश का मतलब यही हो जाता है, ठीक है, क्या? सिंपल सादा इंटरेस्ट, कि आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है। देखो, जो पूरा एफिलिएट वर्ल्ड है उसमें तीन सबसे हाई डिमांडेबल नीश है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ, हेल्थ एंड द थर्ड वन इज द रिलेशनशिप। बट अमेजॉन में ये केस नहीं है, ये सीन नहीं है, यहाँ सीन अलग है। अमेजॉन में आपको सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, मोस्टली तौर पे फिजिकल प्रोडक्ट ही मिलते हैं। तो अब जो ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनको आपको एफिलिएट करना है, तो यहाँ से आपको अपनी एक नीश निकालनी है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, बेस ऑन प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट कौन सा, अब मान लो आपको इंटरेस्ट है बियर्ड में, तो आप बियर्डो को पिक कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट है बियर्ड में, तो आप सेविंग क्रीम या ट्रिमर्स को पिक कर सकते हो, ओके। तो ये आपका एक नीश हो जाएगा। पर आपको मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, आप जो भी नीश सेलेक्ट करना है इस वीडियो को देखने के बाद सोचना कि आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है, क्या चीज के साथ आप ज्यादा टाइम बिताते हो, अपनी गाड़ी के साथ, अपने फोन के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, अपने बियर्डो बियर के साथ, की अपने मूंछ के साथ, व्हाटएवर, जो भी आप जो चाहो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अपने टी शर्ट के साथ, अपने पैंट के साथ, जो भी, मतलब हर चीज अवेलेबल है अमेजॉन में। अब मैं एक उदाहरण इसमें से पिक करूंगा कि आपको ट्रिमर सेल करना है, और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक प्रोडक्ट को पिक करना, ठीक है, एक दो तीन, उससे ज्यादा प्रोडक्ट को पिक मत करना, ठीक है।
आपको एक प्रोडक्ट अपना पिक कर लेना है, यहाँ से आपका ये काम समाप्त हो जाता है कि हाँ भाई मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और मेरे पास ये चीज आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एक प्रोडक्ट। अब आपका ये चीज क्लियर हो चुका है, बट अब एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या? हो सकता है ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो आज तक एफिलिएट के बारे में सुने ही होंगे, तो मैं बता दूं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि बस आप क्या रहते हो, एक मिडिल मैन होते हो आप, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में। और ये होती है एक कंपनी और ये होता है एक कस्टमर और आप हो मिडिल मैन। तो आप क्या करते हो, कंपनी से प्रोडक्ट को उठाते हो, ठीक है, कोई भी, मतलब मैंने ट्रिमर का उदाहरण दिया, ट्रिमर को उठाते हो और कस्टमर तक पहुंचा देते हो। तो अब आपको ये जो कंपनी है वो कुछ कमीशन देती है, ठीक है, तो इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो गाइस अब नेक्स्ट जो चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप नेचर के कंप्यूटर पे और आपको समझाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो, सो लेट्स गो ऑन द कंप्यूटर। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ Amazon एसोसिएट अकाउंट पे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है तो आपको क्या करना है, गूगल में आना है, टाइप करना है Amazon एसोसिएट। जैसे ही Amazon एसोसिएट पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आप आके लॉग इन कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ नीचे जा सकते हो, यहाँ पर आपको Amazon बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं Amazon एसोसिएट, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो बस आप पहुंच जाओगे यहाँ पर, जहाँ पर आपको अपनी आईडी बनानी है, ज्वाइन नाउ पे आपको क्लिक करना है, आप तुरंत यहाँ पर अपनी आईडी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम आती है, मैं आपको वो भी सॉल्व कर देता हूँ कि यहाँ पर मांगते हैं लोग आपका अकाउंट, ठीक है, आपका जो सॉरी अकाउंट बोल रहा हूँ मैं, आपका वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट मांगते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए कि आपके पास क्या वेबसाइट है या नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन रहता है इसमें जब आप इसको साइन अप करने जाओगे। तो आपको वहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको कोई सा भी एक डोमेन खरीदना है, उठा के दे देना है, ये कुछ भी चेकिंग नहीं करते हैं, बस इनको एक वेबसाइट चाहिए होता है, ठीक है, तो आपको वो बस उठा के दे दोगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको एक छोटा सा ब्लॉग लिख दो और उसकी लिंक उठा के दे दो, बस वेरीफाई हो जाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो आप जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर ज्वाइन एडवर्टाइज एंड अर्न, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बस किसी नेटवर्क से उठाना है एक प्रोडक्ट एंड उसका एडवर्टाइज करना है, जो आप सेल करोगे उसकी कुछ कमीशन मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो बस आपको इतना करना है। अब आपको यहाँ मैं क्यों लेके आया हूँ, आपको दिखाने लाया हूँ कुछ ऑफर्स, ठीक है, एडवर्टाइज जिंग फी, आप कितना अर्निंग करोगे वो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा। तो जैसे मैं एडवर्टाइजिंग फी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। तो देखो सबसे ज़्यादा जो आपका रेवेन्यू है जहाँ से निकलता है, तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि टॉप 10 वेबसाइट टू अर्न मनी फ्रॉम होम या टॉप 10 वेबसाइट टू अर्न $100 पर डे, ठीक है, ऐसी एक वीडियो बनाई है मैंने, अभी कुछ जल्दी बनाई है, एक दो तीन दिन पहले। तो वो जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था किंडल के बारे में, किंडल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग का, और देखो किंडल में ही ये 10% सबसे ज़्यादा आपको कमीशन देता है, बाकी जो कमीशन रेट है 9% 8% और 10% है। तो अब देखो इसका कमीशन रेट कम है, तो आपको जो भी प्रोडक्ट आप चूज़ करोगे याद रखना वो 3,000 से 5,000 रुपये कम से कम उसके बीच में चूज़ करो, ठीक है। और अगर आप नीचे जाते हो, आप लगता है कि 3,000 के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा कि 1,000, 1,500, 2,000, ठीक है, लेकिन 500 से नीचे मत जाना या 1,000 से नीचे मत जाना, क्योंकि वहाँ का कमीशन बहुत कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको फिर अपनी सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, सेल्स बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मान लो आप 3,000 के भी प्रोडक्ट बेचते हो और आपको 10% मिलता है, ठीक है, तो इट्स मीन कि आपने अगर एक प्रोडक्ट बेचा तो 300 रुपये, ठीक है, और अगर आपने 10 प्रोडक्ट बेचा तो आपका वही कितना बना, 3,000, राइट, 3,000, तो आपका 3,000 मतलब 10 सेल करते हो तो डेली का 3,000 रुपये बनता है। तो ऐसे करके आपको करनी है, ठीक है, कि आपका मतलब एक अमाउंट सेट करो कि 1,000 रुपये डेली का बनाना है या 2,000 या 7,000, जैसे कि मैंने बोला $100, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 नहीं 20 नहीं, आपको 30-40 प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, तब जाके आपका $100 बनेगा। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता था कि जो ये कमीशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और अगर आप किसी और एफिलिएट साइट के साथ जाते हो लाइक क्लिक बैंक, जीवी, वहाँ कमीशन रेट होता है बहुत हाई होता है, 50%, 60%, तो वहाँ आपके 3-4 प्रोडक्ट ही आपको सेल करने रहते हैं और $100, $200 आपके बन जाते हैं। चलो बाय द वे हम लोग जो कर रहे हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ, तो ये कुछ कमीशन रेट है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 3,000 से 5,000 और 1,000 के ऊपर ही अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करो, जो आपको इजी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो अब जो मेथड है, जो मस्त मेथड जो आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें करना क्या है, उसमें आपको यहाँ जाना है ब्लॉग पे। तो ये एक ब्लॉग है, ठीक है, आप अपना ब्लॉग यूज कर सकते हो, चाहे blogger.com पे, चाहे विक्स पे, चाहे आपका जहां पर भी आप जहां चाहो वहां पर आप बना सकते हो ब्लॉग, ठीक है।
तो ये एक ब्लॉग है जो मैंने नहीं लिखा है, पहले मैं बता दूं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा दिख रहा है, जैसा आपको देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, हर कुछ इसमें डाला हुआ है, पूरा सिस्टम वाइज लिखा हुआ है। तो अब मैंने कैसे ये ब्लॉग लिखा है, सबसे पहले जैसे कि मैंने बता दिया कि मैं ये ब्लॉग नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। सो गाइस देखो, आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है, आपने अपनी नीश सेलेक्ट कर ली है, वहां से आपने प्रोडक्ट निकाल लिया है, ठीक है। अब आप आए हो ब्लॉग के पास एज अ एडवर्टाइजर, ठीक है, एज अ एफिलिएट मार्केटर या एडवर्टाइजर मैं बोल सकता हूँ। तो अब आपको ब्लॉग में करना क्या, ब्लॉग में क्या करना है, आपको रिसर्च करनी है, सबसे पहले गूगल पे जाना है और आपको बहुत सारे रिसर्च करना है जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में। लाइक आपका प्रोडक्ट अभी क्या है, ट्रिमर, जिससे आप सेविंग करते हो, तो इस ट्रिमर के बारे में आपको गूगल करना है। बहुत सारे टॉप की वेबसाइट्स मिलेंगी जो इसको सेल करती होंगी, ठीक है। अब उनके कंटेंट को चोरी कर लेना है, ठीक है, साफ शब्दों में मैं बोलूंगा चोरी कर लेना है और कुछ, ठीक है। अब चोरी करके क्या करना है आपके उनके कंटेंट, मैं कुछ गलत नहीं सिखा रहा हूँ ना, चोरी करना मतलब समाज चोरी करना नहीं सिखा रहा हूँ, कंटेंट चोरी करना मतलब चोरी यानी कॉपी करना। अब उनके कंटेंट को कॉपी कर लेना है और फिर लाके अपने एक टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट होते हैं ना, डॉक के टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, उसमें पेस्ट कर लेना है। पेस्ट क्यों करना है, बिकॉज जब आप उनके वेबसाइट से या ब्लॉग से कॉपी करोगे तो क्या होगा, उसमें कुछ कोड्स आ जाते हैं, उन कोड्स को आपको क्रॉस करने के लिए आपको पहले कॉपी करके एक टेक्स्ट में, डॉक टेक्स्ट में रख लेना होगा, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ कॉपी करके अपने टेक्स्ट को रख लो, अब उसको एडिट करना है, ठीक है, ऊपर नीचे का। लाइक जैसे मैंने यहाँ ब्लॉगर में रखा हुआ है और यहाँ मैं कुछ चीज़ें उसकी एडिट किया हूँ, लाइक मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं जैसे कुछ ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे, ठीक है, तो ये कुछ फोटोज लगाई मैंने, कुछ और फोटोज चेंज की, लेकिन जो कंटेंट है वो सारा उनका है, ठीक है, सारा उनका है, ठीक है, जो वीडियोज है एंड ऑल सब ये मैंने चेंज किया है, ये मैंने लगाया चेंज किया। तो ऐसे करके आपको पहले सारी चीजें चेंज कर दो। जब आप ये सारी चीजें चेंज कर लोगे और अपना एक डोमेन लगा दोगे, ठीक है, डोमेन एंड होस्टिंग आप अपना लगा लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल के पास, गूगल दादा एंड गूगल दादा के पास है गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड पे आपको जाके अकाउंट बनाना है। गूगल एडवर्ड क्या है, गूगल एडवर्ड वो चीज़ है जहाँ पर आप एड्स लगा सकते हो और वो एड्स आपके टॉप में दिखाई देंगे। तो जब आप अपने एड्स लगा दोगे तो अब क्या होगा, जब भी कोई ट्रिमर सर्च करेगा तो आपको टॉप में मिलेगा लाइक दिस। सो गाइस जैसे ही आप एड लगा दोगे तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ ट्रिमर मैंने टाइप किया, देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये एड लगा हुआ है फ्लिप्स की जो कंपनी है, flip.co, ठीक है, ये फ्लिप की कंपनी है जिन लोगों ने एड लगा के रखा है। तो जब आप क्या करोगे, सिर्फ ट्रिमर बोल रहा हूँ, ठीक है, ट्रिम किसी भी एक चीज़ पे, मतलब जो भी आपकी जैसे आपने नीश चॉइस किया ना ट्रिमर, तो आप ट्रिमर के बारे में ही यहाँ पर रिव्यू दोगे, ओके। जो ये आपका ब्लॉग रहेगा वो ट्रिमर के बारे में रहेगा, पूरा फुल टू ट्रिमर, और यहाँ अलग अलग प्रकार के पूरे ट्रिमर रहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो ट्रिमर का आपने वेबसाइट बनाया है, इसको आप गूगल पे लेके आए हो, गूगल एडवर्ड्स पे, और वहां पर आपने एड लगाएंगे। जब आप एड लगाओगे, कोई भी सर्च करेगा ट्रिमर, तो यहाँ आपका टॉप में दिखाएगा, ठीक है। अभी कोई भी एड नहीं चल रहा है ट्रिमर का, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये इनके एड लगे हुए हैं। तो जब आप एड लगाओगे तो यहाँ तीसरा आपका आएगा, तो आप थोड़ा सा आपको एट्रेक्टिव लिखना पड़ेगा कि रिव्यू ऑन ट्रिमर बेस्ट 160% ऑफ, जैसे लिखा है अप टू 40% ऑफ, तो आप लिखो 60% ऑफ, बस लोगों को खींचने के लिए, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, तो लोग उस पर क्लिक करेंगे और आपके जो आपका ब्लॉग है उस पर पहुंच जाएंगे। अब लोग उस पर पढ़ेंगे और आपके रिव्यूज़ को देखेंगे या आपके वीडियोज़ को देखेंगे, आपके कंटेंट को देखेंगे और उन्हें अच्छा लगे तो फिर वो क्लिक करेंगे और डायरेक्टली अमेजॉन पे पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, जब वो अमेजॉन पे पहुंच जाएंगे तो वो प्रोडक्ट उनको मिलेगा और वो खरीद लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपका कमीशन। तो दोस्तों ये चीज़ है जो SEO को बीट कर देती है, जो आप थोड़ा सा पैसा खर्च करोगे, मतलब अभी तो आजकल जैसे आप गूगल ऐड में अकाउंट बनाओगे ना तो आपको कुछ ऑफर्स भी मिलता है कि 1000 रुपये ऐड करो तो 1000 रुपये फ्री, मतलब 2000 रुपये आपको ऐसे मिल गया, 2000 रुपये में अगर 2000 रुपये का आप ऐड चलाओगे तो उसमें 3-4-5-10-15 प्रोडक्ट भी आपका निकल गया तो काफ़ी आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके सोचना है, ऐसे करके ट्रिकी चीज़ बनानी है, और ये जो मैथड बताया मैंने खुद यूज़ किया है, पर्सनल यूज़ किया है, बस आपको प्रोडक्ट जो सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से करना है, थोड़ा रिसर्च करके करना है, ठीक है। गूगल एड्स पे वीडियो आने वाली है, गूगल एड्स पे जब वीडियो आएगी तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि गूगल एड पे कैसे ऐड लगाना है एंड ऑल। तो ये जो सीरीज है अपना अभी स्टार्ट होगा CPA का, तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है, तो वहां मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा एंड अलग से भी इसकी वीडियो बनेगी। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस पर चलता हूँ। तो गाइस ये तो हो गया ब्लॉग का, जो आपने देखा कि ब्लॉग पे कैसे एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, जो मैंने आपको बहुत ईजी बता दिया, और बिलीव में अगर आप इसको ट्राई करते हो तो आप
SEO, SEO जो भी चीज होती है उन सबको बीट करके ऊपर पहुंच जाओगे, बिकॉज यहाँ हम माइंड से गेम खेल रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। बट याद रखना कि आपको ये सारी चीजें थोड़ी संभल के करनी है और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के फोकस करके काम करना है और भी इसके बारे में रिसर्च करना है। मैं आपको यहाँ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप रिसर्च करोगे और आपको चीजें समझ में आएगी। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि आप क्या करोगे वहां। लेट्स गो। सो गाइस, जो पहला मेथड है मैंने आपको बता दिया, दैट इज कॉल्ड ब्लॉग ब्लॉग। अब जो दूसरा मेथड है वो है फनल, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो तीसरा मेथड है सोशल मीडिया, ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर करूँ। तो सोशल मीडिया, फनल एंड ब्लॉग, ब्लॉग को मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे आप बीट कर सकते हो SEO एंड ऑल को, ऊपर पहुंच के काफ़ी अच्छी सेलिंग कर सकते हो, और जहां आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, कंटेंट भी नहीं लिखना है, कंटेंट भी दूसरे का उठाना है, एडिट करना है, अपग्रेड करना है और उस पर ऐड चला देनी है। अब जो नेक्स्ट है फनल, फनल का क्या होता है, देखो ये एक टूल है, दैट इज कॉल्ड बिल्डर। यहाँ पर आपको हर फनल मिल जाएगा, ठीक है, आपको कोई सा भी फनल बनाना है आपको मिल जाएगा। लाइक सेल्स फनल, सेल्स फनल पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सेल्स फनल खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर तरह का फनल आपको मिल जाएगा, हर तरह का। तो आपको क्या करना है, आपको फनल बनाना है। फनल के बारे में अगर मैं बताऊँ तो क्या होता है, इसमें एक प्रोडक्ट लिया जाता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लाइक ट्रिमर ले लो आप, ठीक है, और क्या किया जाता है, लीड जनरेट किया जाता है। मतलब ऐसा करके एक पेज होता है, फर्स्ट इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है। यहाँ पर ऑडियंस को बुलाया जाता है, ट्रैफिक को ड्राइव किया जाता है, ट्रैफिक यहाँ आती है, लैंडिंग पेज को देखती है, मतलब ट्रिमर का वही लैंडिंग पेज कि ट्रिमर कितना अच्छा है, ट्रिमर की रिव्यूज देखती है, एंड देन वो नेक्स्ट पेज पे जाती है जहाँ पर उसको बोला जाता है सबमिट योर ईमेल, ठीक है। तो वो अपनी ईमेल सबमिट करती है टू गो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, तो वो अपनी ईमेल सबमिट करती है, देन उसे कुछ अच्छे और इनिशियल्स ऑफर दिए जाते हैं, तो वो वहाँ से ऑफर पिक करती है। अगर वो ऑफर पिक भी नहीं करती है तो यहाँ पर उसने आपको अपना डाटा दे दिया है, दैट इज कॉल्ड ईमेल, ठीक है, डाटा। तो आप यहाँ से उसके डाटा से जो उसका ईमेल मार्केटिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो, अपनी ईमेल मार्केटिंग, जो आपको मैंने बताया है एक लेटेस्ट वीडियो में, जो आपको लास्ट में मिल जाएगी, या तो अभी आप नीचे वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो अभी बहुत ही जल्दी मैंने ईमेल मार्केटिंग को डिस्क्राइब किया है कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। तो ईमेल मार्केटिंग के बारे में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, कि ईमेल मार्केटिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप बहुत बेहतर करके इसमें अर्निंग कर सकते हो। तो बात हम लोग कर रहे थे फनल की, तो यहाँ पर आपका ट्रिमर है, आपका ट्रिमर यहाँ पर है। अब ये ट्रिमर जो है आपको सेल करना है, तो ये लैंडिंग पेज हुआ, लैंडिंग पेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये बहुत जैसे ब्लॉग है, जैसे ब्लॉग मैंने बताया तो ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखी रहती हैं, यहाँ पर बस आपको दिया रहता है एक हुक, देन उसकी स्टोरी, एंड जैसे कि ये लैंडिंग पेज है तो यहाँ ऊपर सेक्शन में एक हुक दिया रहेगा, फिर जो दूसरा जो सेक्शन रहेगा वहाँ कॉल टू एक्शन दिया रहेगा और एक छोटी सी स्टोरी, एंड देन आपका बिल्डर रहेगा और उसकी तीन चार अलग अलग प्रजातियाँ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट बिल्डर आपके ट्रिमर्स रहेंगे, तो बस वो अंदर जो आपका ट्रैफिक रहेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, अपना ईमेल सबमिट करेगा एंड ऑफर पे जाएगा, जहाँ पर आप बीच में लिखोगे कि 10% ऑफ ऑफर, जस्ट सबमिट योर ईमेल, जस्ट वो सबमिट करेगा ईमेल एंड नेक्स्ट पे जाएगा और उसको ये चीज़ अच्छी लगेगी तो खरीदेगा। अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो, ठीक है, अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो अब आपके पास इसका ईमेल आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के जरिए इसको डेली ईमेल भेज सकते हो। अगर देखो आप फनल का ये जो सीक्वेंस है इसको यूज कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने डेली ऐड चलाई, आपने पहले दिन ऐड चलाई, आपने 200 रुपए लगाए और ऐड चलाया और आपने 2, 3, 4, 5 ट्रिमर सेल किए, बट आपके जो ट्रिमर के ऑफर को देखने लोग आए थे, मान लो यहाँ से 100 लोग आए थे, ठीक है, फर्स्ट पेज पे, सेकेंड पेज पे से आपको 80 लोग गए, ठीक है, थर्ड पेज पे आते आते सिर्फ 10 लोगों ने ट्रिमर खरीदा। तो अब ये जो 80 लोग हैं इनका डाटा आपके पास पहुंच चुका है, क्या पहुंच चुका है, इनका डाटा आपके पास पहुंच चुका है। तो अब ये जो डाटा है यहां पर पहुंच चुका है आपके पास ईमेल वाले, तो अब ये 10 लोग को खरीद लिए, बट ये जो 80 लोग हैं वो कैप्चर है आपके पास, तो आप इनको डेली ईमेल कर सकते हो, डेली ईमेल कर सकते हो कि हम लोग ट्रिमर में और ऑफर दे रहे हैं, कुछ नए ट्रिमर्स लॉन्च हुए हैं। तो ऐसे ही करके मान लो आप डेली आपके जो पेज है उस पर 100 लोग आते हैं, मतलब 30 दिन में आपके पास आ गए 3000 लोग। अब आपके पास 3000 की ईमेल लिस्ट हो गई है। अब आप 3000 जो नेक्स्ट मंथ है आप उनको एक ऑफर देते हो कि ट्रिमर में 40% ऑफ चल रहा है, सेल लगी है,
अब 3000 वो लोग हैं जो हाईली इंटरेस्टेड हैं ट्रिमर में, बिकॉज ये लोग पहले भी आपके एड को आके देख के आ चुके हैं, ठीक है, और यहाँ तक आ चुके हैं, आपके पेज से पेज तक आ चुके हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ट्रिमर में। अब ये 3000 में से अगर अगर सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अगर 1000 लोग भी आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कितने लोग, 1000 लोग भी आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, 1000 1000 लोग भी आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं और 2000 नहीं खरीदते हैं, बिकॉज अभी सेल लगी है, आपने उनको ऑफर किया है कि 40% ऑफ चल रहा है, तो आपने इनको मेल किया। अब 1000 लोग भी अगर आपकी चीज़ों को खरीदते हैं और एक ट्रिमर से आपको मिलता है 10%, और उस ट्रीम मतलब 10% मान लो तो आपको हुआ, अगर 1000 रुपये का ट्रिमर है या 2000 का ट्रिमर है मान लो तो 200 रुपये हुआ, ठीक है, तो 1000 लोग खरीदें तो 1000 लोग और 200 रुपये, ठीक है। आपने गाइस वो जो 3000 ईमेल को कलेक्ट किया था उससे आपने 2,00,000 रुपए बना दिए, और आपने हर दिन एड पे 200 रुपए स्पेंड किया था, 200 रुपए हर दिन स्पेंड किया था, मतलब 6,000 रुपए आपने एड पे लगाए थे जिसमें से 100 लोग डेली आपके इस पे आ रहे थे, क्योंकि आप जो एड चलाओगे वो इंडिया में चलाओगे तो 200 रुपए बहुत है एक एड के लिए, ठीक है, और 100 लोग 50 लोग ड्राइव होंगे ही आपके पेज पे, अगर 50 लोग भी ड्राइव होते तो आप 1,00,000 रुपए बनाओगे, ठीक है। ऐसे ही करके होता है काम गाइस, ऐसे ही काम को स्केल किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपकी जो लोग डेली आपके ईमेल लिस्ट में ज्वाइन होते जा रहे हैं, अगर आप 1 साल भी पैसे खर्च करते हो, ये फेसबुक एड की बात कर रहा हूं मैं, ब्लॉग में मैंने गूगल एड की बात की थी, यहाँ मैं फेसबुक एड में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टारगेटिंग होता है, ठीक है, लोग आएंगे और आपके यहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब जैसे ही आप ऐसे ईमेल कलेक्ट करते जाओगे तो आपकी जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होती जाएगी, तो ऐसा समय आएगा 1 साल के बाद कि जो आपका नीश है उसके लिए आपको अलग से मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब आप इन ईमेल के जरिए जब भी ट्रैफिक ड्राइव करोगे, मतलब ईमेल का सहारा लेके उन तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाओगे या अपने प्रोडक्ट पे उन लोगों को पहुंचाओगे, तो क्या होगा, ये फ्री में मार्केटिंग होगी और आपको एड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे आप बहुत अच्छा खासा अर्निंग करोगे। तो ये था आपका फनल मेथड। तो गाइस ये हो गया आपका फनल गेम, और आपने फनल गेम को समझ लिया है कि फनल गेम कैसे काम करता है एफिलिएट के साथ, और कैसे आप ईमेल कलेक्ट करके कितना ज़्यादा अच्छा खासा लॉन्ग टाइम अर्निंग कर सकते हैं। अब आपको एफबी हो गया या सोशल मीडिया, इस पे भी आप अलग अलग ग्रुप्स बना के अर्निंग कर सकते हैं, चलो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ब्लॉग मेथड एंड फनल मेथड, ठीक है। ब्लॉग मेथड में मैंने आपको बताया कि एडवर्ड पे कैसे ऐड चलाना है और कैसे अपना जो पोस्ट है, जो आपका ब्लॉग है, उसको रैंक कराना है, और दूसरा मैंने बताया फनल कैसे आप एफबी ऐड से उसको रैंक करा सकते हो। अब बात करते हैं पैसे की, कितना पैसा आपका खर्च होगा। तो देखो अगर आप डोमेन लेते हो, होस्टिंग लेते हो, आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, हो सकता है 5000 तक का पड़ जाता है, ठीक है, फर्स्ट मेथड के लिए। सेकेंड भी मेथड में आपको फनल बनाना है तो उसमें भी आपको कुछ खर्चा आएगा, ठीक है, डोमेन एंड इसमें भी फर्स्ट मेथड में भी आपको डोमेन वोमेन चाहिए, ठीक है, या एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर आप बना सकते हो अपना लैंडिंग पेज, फनल एंड ऑल। इसकी डिटेल वीडियो भी आएगी, टेंशन मत लो, जिसमें और भी मैं आपको बताऊँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं सफिशियंट है जो आपको समझा देंगे। तो ये जो चीज़ हो गई, ये दो चीज़ हो गई, डोमेन की होस्टिंग की 5000-6000 का खर्चा आएगा, ठीक है, और बाकी आपको प्रोडक्ट तो फ्री में मिल जाएंगे, तो मतलब 6,000-7,000 रुपये आपको लगेगा। बट अगर मैं बोलूँ कि आप सिर्फ $29.9 में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट है डेट इज़ कॉल्ड ब्यूल्डरल, यहाँ पर आपको डोमेन्स बस लेना पड़ता है जो आपको 150 रुपये में मिल जाएगा डोमेन, ठीक है, मैं आपको दिलवा दूंगा 150 रुपये में, मुझे इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि 150 रुपये सिर्फ 150 रुपीज़ में आपको डोमेन कहाँ से मिलेगा, GoDaddy से ही मिलेगा, कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो 150 रुपये में आपको मिल जाएगा डोमेन, एंड यहाँ $29.9 का आप इस चीज़ को खरीद सकते हो, इसमें आप हर कुछ बना सकते हो, चाहे सेल्स फनल हो, सेल्स फनल की मैंने बात की, सेल्स फनल बना सकते हो, अपना ब्लॉग बना सकते हो, अपनी वेबसाइट बना सकते हो, प्लस आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंपनी आपको फ्री का होस्टिंग देती है, प्लस आप अपने ऐप क्रिएट कर सकते हो, वीडियो क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, इवन जो मैंने ईमेल मार्केटिंग की बात की है, यहाँ पर ईमेल सॉफ्टवेयर है जो आपको अनलिमिटेड ईमेल भेजने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये भी ले सकते हो, जो इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आपको ऑल डिटेल मिल जाएगा। प्लस आपको जो हुक मैंने बताया कि एक बहुत अच्छा हुक यहाँ पर लिखना है कि दिस स्ट्रीमर इज ओनली फॉर यू, दिस स्ट्रीमर इज फ्री फॉर सम टाइम, तो उसके लिए हुक कैसे जनरेट करना है उसकी भी सुविधा है यहाँ पर, ठीक है। ऐप का सेक्शन आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ स्क्रिप्ट जनरेटर करके है, इस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें बता देगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका डिटेल आप नीचे लिंक है
वहां से ले सकते हो, इसका भी एफिलिएट कर सकते हो, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड बिल्डर। तो यहाँ तक सिर्फ $29.9 और प्लस 150 रुपये खर्च करोगे तो ये आपकी जो पूरी मार्केटिंग है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई पैसे की बात। अब जो थर्ड चीज़ है डेट इज कॉल्ड सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में कुछ तरीके हैं जो जहाँ से आप एफिलिएट कर सकते हो। फर्स्ट जो है वो है फेसबुक ग्रुप। क्या है फेसबुक ग्रुप? देखो, अगर आपके पास फेसबुक ग्रुप है और उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पर अपनी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर दो, और बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में शेयर करनी पड़ेगी, तब लोग नोटिस करेंगे। प्लस ये चीज़ आपको मैनुअल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर टाइम प्लस आपकी एनर्जी दोनों लगेगी। ठीक है, और दूसरा जो चीज़ है टेलीग्राम है, जिसमें आप अपना एक फ़ैन बेस बना सकते हो। कैसे बनाओगे टेलीग्राम में फ़ैन बेस? फ़ैन बेस यानी लोगों का मॉब। एक ग्रुप बना सकते हो, एक चैनल बना सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये पूरी चीज़ कवर कर लेगा। तो जो टेलीग्राम है उसमें आप लोगों को ड्राइव कर सकते हो ट्रैफिक फेसबुक से, व्हाट्सअप से, और वहाँ इकट्ठे लोगों को रख सकते हो और वहाँ आप डेली उनको ऑफर शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं, बट ये दो मेथड बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। जैसे आपका SEO का गेम है, वैसे ही ये 6 महीने 7 महीने या 1 साल भी लगेगा। तो ये एक सिंपल सा जो मेथड है वो फेसबुक और टेलीग्राम का है। ये जो 3 मेथड मैंने आपको शेयर किया है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप एक भी अप्लाई करते हो तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे और बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सिर्फ $29.9 प्लस 150 रुपये मान के चलो $30 में आपका पूरा काम निपट जाएगा। और $30 में आपको ईमेल मार्केटिंग भी मिल जाएगी, आपको लैंडिंग पेजेस, फनल्स, ब्लॉग के लिए जगह, होस्टिंग सब मिल जाएगा। बस आपको एक अलग से डोमेन खरीदना पड़ेगा। बस यही है पूरा अमेजॉन एसोसिएट, और आशा करता हूँ कि लोगों को समझ में आया हो। तो गाइस, ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, और मैं भरोसा कर सकता हूँ कि आप ये सब जाके अप्लाई करोगे, और 100% जब आप अप्लाई करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए काम करने वाली हैं, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जिन पे मैंने काम किया है और ये 100% काम करती हैं। और अगर आप इसको सही से काम करोगे तो आपके वर्क को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत ज़्यादा यूजेबल है और बहुत ज़्यादा प्रूवन है। तो अगर आप आज से अप्लाई करोगे जाके, तो यही है पूरा अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग। आपको कोई साइट नहीं बनानी, कोई साइट को रैंक नहीं करना, किसी साइट के पीछे नहीं भागना, बिकॉज ये सब जो मैथड थे ये पुराने मैथड थे, टाइम टेकिंग मैथड थे। और आज जो गेम है वो है दिमाग का, कैसे आप दिमाग लगाते हो, कैसे आप ट्रिक्स बनाते हो और कैसे चीज़ों को तोड़ते हुए आगे जाते हो। यस गाइस, गेम पूरा समझो और फिर से इसको रिवाइज करो, मतलब फिर से देखो, रिव्यू करो बार बार, और फिर उसके बाद अपना गेम स्टार्ट करो। और बिलीव मी, जब आप ऐसे परफॉर्म करोगे तो आप बहुत तेजी से स्केल करोगे अपने बिजनेस को। ठीक है, आपको SEO नहीं करना है यार, हर चीज में SEO को घुसाड़ देते हो आप लाके। SEO नहीं करना है, वो एक पुराना मेथड हो चुका है। आजकल जो भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो यही कर रहे हैं, वो तुरंत ट्रिक्स लगाते हैं और अपने गेम को हाई लेवल पे ले जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। और भी डिटेल में जो एड्स मैंने बताए हैं उसको मैं बताऊँ तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लाइक करना इस वीडियो को ताकि मुझे भी थोड़ा लगे हाँ भाई मैंने कुछ वैल्यू ऐड की है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।